कहते हैं आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि आज का दिन और बेहतर कैसे बनाएं। देखते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सुबह के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। आपका जो घर का है वातावरण अच्छा होगा, आपको गुड न्यूज मिलेगी, शायद आप कमिटमेंट करेंगे, शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन 1 और 5 के बीच में आपको ऐसी कोई न्यूज आएगी जिसकी वजह से होगी थोड़ी चिंता, और 5 बजे के बाद है आपके लिए वर्ल्ड कार्ड जो ये दर्शा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। शाम को भी गुड न्यूज है आपके लिए। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। सुबह के कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आज आप बहुत चंचल मूड में हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी बैलेंस नहीं है, आपकी मानसिक संतुलन आउट ऑफ बैलेंस रहेगी। दोपहर को 1 बजे के बाद आपका दिन बहुत अच्छा है। शाम को आपको जॉब की ऑफर आएगी, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे उसकी गुड न्यूज़ का जवाब भी मिलेगा आज। तो सुबह अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं तो आप पीको ब्रीदिंग करें या आप कराटे चॉप से हीलिंग करें तो आपका दिन होगा और भी बेहतर। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं लेकिन थोड़ी सी चंचलता है आप में और उसकी वजह से आप डिसीशन नहीं ले पाएंगे। 1 और 5 के बीच में आपको जो निर्णय लेने हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन अचानक से कोई भी निर्णय ना लें, सोच समझ के लीजिए। शाम को 5 बजे के बाद आप दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं क्योंकि काम आज कोई पूरे नहीं होंगे 5 बजे के बाद। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, कोई न्यूज़ ऐसी होगी या आपको चिंता हो रही है कि कल कैसा जाएगा, आगे कैसी चीज़ें होंगी, लेकिन 1 बजे के बाद ये सारे जवाब आपके पास होंगे और इसके सरल उपाय भी, इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। 5 बजे के बाद भी आपका दिन है अच्छा, पैसे भी आएंगे, काम भी बनेंगे आज। बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपकी सेहत शायद अगर ठीक नहीं है तो आपको ठीक तरीके से दवाई लेनी है या विटामिन्स लेनी है। अगर आप खाने में ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको अब खास ख्याल रखना है और आपको एक्सरसाइज भी करनी है। 1 बजे के बाद आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप जो काम सोच रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। शाम को आज शायद आपको ऑफिस में ज्यादा लेट हो जाएगा, आप व्यस्त रहेंगे आज। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके पूरे दिन के कार्ड्स आज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। द मैजिशियन ये कह रहा है कि आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं, इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण कर सकते हैं आज। तो लिखिए, एक बार वापस अपना लिस्ट पढ़ें और अच्छी सोच लाइए ताकि आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को और भी जागृत कर पाए आज। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। सुबह के आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं लेकिन 1 और 5 के बीच में आपको शायद कोई दिल दुखाएगा और आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं और हेल्प करते हैं, इसके वजह से आप बहुत दुखी हो जाएंगे। 5 बजे के बाद आप अपने आप में बदलाव लाएंगे जिससे होगा आपका दिन और भी बेहतर। तो सुबह के समय अपना काम करें पूरे आज। बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आज होगा लेना देना, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आज आपके पास पैसे आएंगे, आज शॉपिंग करेंगे, शायद आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो चीजें लेंगे आज। शाम को भी आपका दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज आप सोशलाइज करेंगे, अपने दोस्तों को मिलेंगे और अच्छी आइडियाज मिलेंगे आज आपको। बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं,
आप जिस न्यूज के लिए वेट कर रहे थे वो गुड न्यूज आपको मिलेगी, जॉब मिलेगी आपको, आपको अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी आइडियाज आएगी और आपको पार्टनरशिप का भी कोई प्रपोजल देगा। बहुत अच्छा दिन है आज, तो अपनी ऊर्जा स्ट्रांग रखिए, अपने माइंड को और भी स्ट्रांग बनाएं और आगे बढ़ें। आज अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। अगर आपको हड्डियां दुख रही हैं या आपको बॉडी में सूजन है तो आपको विटामिन डी थ्री लेनी है, ताकि कैल्शियम, ताकि आपको अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो उससे आपकी हेल्थ या सेहत और भी अच्छी बने। 1 बजे के बाद आपका टाइम अच्छा है, अब जो सोच रहे हैं वो काम होंगे पूर्ण। शाम को आप व्यस्त रहेंगे, शायद ऑफिस पर लेट रहेंगे आज। बारी है कुंभ राशि यानी अक्वेरियस। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और लोगों को राय भी देते हैं और आज का दिन वैसा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअली पूर्ण होंगे। आज आपका विश फुलफिलमेंट डे है, इसलिए आप जो भी चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो मंत्र जाप करें, अच्छी भावनाएं लाएं, अपनी इच्छाएं हैं जो ड्रीम्स हैं उसका लिस्ट पढ़ें तो आप अपना आत्मबल को और भी स्ट्रांग करें और अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। आज अब बारी है मीन राशि यानी पाइसिस। आज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, सुबह को आप जो भी सोच रहे हैं वो काम पूरे होंगे, गुड न्यूज़ भी आएगी, सेलिब्रेशन भी होगी। लेकिन 1 और 5 के बीच में छोटी सी बात को लेके आप बहुत दुखी हो जाएंगे। रिएक्ट मत करिए और ज़्यादा हर चीज़ सीरियसली मत लीजिए। आज 5 बजे के बाद भी आपका दिन है आज बहुत अच्छा। अब हमारे साथ जुड़े हैं एक खास गेस्ट जो सेलिब्रिटी कोच है और इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर एंड ऑथर आल्सो। ओनली आरफीन खान कैन डू दिस। हमारे साथ हैं आरफीन खान, सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात करने के साथ बहुत अच्छा लगेगा श्योर। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो समझिए किसी में इतनी ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पब्लिक स्पीकिंग करे या 10 जनों के सामने कुछ बोले या प्रेजेंटेशन भी बता सके, तो किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं लोगों को? अच्छा, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे, मैं इंग्लिश फेल हूँ 3 दफ़ा, मैथमेटिक्स फेल हूँ 3 दफ़ा, स्कूल में मेरे एकेडमिक्स अच्छे ही नहीं थे। मैं जब स्कूल मैंने लीव किया था, मेरे माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करूँगा। तो आप सोचो कि 19-year-old पर्सन अनकॉन्फिडेंट, कुछ डायरेक्शन नहीं। लेकिन एक दिन मेरे फादर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि आप जैसे आप सोच रहे हो 5 साल में आपकी लाइफ कैसे होगी, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। सो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस इंसान के पास आता है जब उनको उनके पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी हिंदी में मुझे वर्ड नहीं मालूम है, लेकिन जो आगे देख सकता है, और उसकी वजह से आप, मैं आपको बोल रहा हूँ 99% दुनिया में जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज उनको मालूम भी नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। वो खाली ये देख सकते हैं कि मुझे बिल भरना है, मुझे ये करना है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ये क्लैरिटी नहीं है, ये नेसेसिटी है। आपके सेमिनार में ऋतिक रोशन भी थे और आपने एक अपनी वेट लॉस की कहानी बोली थी, तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। हाँ, तो ऋतिक मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसके घर गया था एक दफा, तो मुझे बोलते है कि तुम इतने अच्छे काम करते हो लेकिन तुम्हारा वजन इतना ज्यादा क्यों है। मैं उस टाइम पे कोई 15 किलो ज्यादा था। ओके, तो मैंने, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक डाइट दूंगा और एक प्लान, आप करोगे? मैंने सोचे बगैर मैंने बोला यस, मैं करूंगा। उसने दिया मुझे, मैंने देखा, मैंने बोला माय गॉड, मैं कैसे करूंगा ये, इट्स वेरी हार्ड। उसके पहले जिम जाना, मोटिवेशन कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कमिटमेंट दे दी। तो उसने बोला 10 वीक में 10 किलो आप लूज करोगे, मैंने बोला डन। 10 वीक में मैंने 14 किलो लूज किया। तो मैं उससे मिलने गया, मुझे बोलता है व्हाट डिड यू डू, मैंने बोला अपना जो माइंड, मेरे पास माइंड टेक्निक्स हैं वो भी मैंने यूज किया। वेट लॉस के लिए आपको जरूरत पड़ी किसी की जिसने आपको पुश किया और आपने ली कमिटमेंट। हाँ, सो सी, लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं है वेट लॉस का, बिजी हूँ, लेकिन रियलिटी ये है जिंदगी में आपको जो भी चीज पानी है, सक्सेस अचीव करना है, वो साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी मैं वेट लॉस लूज कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? मेरे पास कोई पुश नहीं था, कोई रीजन नहीं था। तो मेरे लैंग्वेज में बोलते हैं उसको कंपेलिंग रीजन। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप कभी किसी को आप किसी को कभी मर्डर कर सकते हो आप? नहीं, मैं प्रूव करता हूँ आप कर सकते हो। अच्छा। अगर मैं आपके पास आपका मुंह कवर करूं, आपका नाक कवर करूं, और आपको मालूम है मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, हाँ। मैं आपको मार दूंगा और हाँ। आपके सामने एक नाइफ है, आप क्या करोगी? आप यूज करोगी ना, बिकॉज आप जिंदगी और मौत का सवाल है जी। तो वेट लॉस भी मेरा जिंदगी और मौत का सवाल था, सक्सेस बनना मेरी जिंदगी और मौत का, मैंने अपने माइंड में यह डाल दिया। उसके बाद आपको रीजन मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, कोई हेल्प की भी जरूरत नहीं है, फिर बहाने भी नहीं होते, बहाने भी नहीं होते, करेक्ट। आप 7 steps to achieve anything, सफलता प्राप्त करने के लिए आज आप 7 steps के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली टच कर सकते हैं स्टेप्स के? हाँ, वेरी सिंपल। नंबर वन, आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब आगे आपकी आगे देखो। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, दृश्य, एक फोकस, एक फोकस होना चाहिए। नंबर टू, आपके पास रीजन होना चाहिए जी। रीजन के बगैर अगर आपके पास क्लैरिटी भी होगा कि कोई रीजन नहीं होगा जाने का। नंबर थ्री, आपके पास आसपास जो लोग हैं आपके, वो ये नहीं होने चाहिए कि बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस, वो सच्चे लोग होने चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे नहीं हो वो आपको बोलेंगे आके, अगर आप अच्छा कर रहे हो वो भी बोलेंगे। जेलसी, एनवी, वो नहीं चाहिए, जलन नहीं चाहिए। नंबर फोर, आपके पास आपका जो जो टीम है फॉर एग्जाम्पल, उनका जो अलाइनमेंट है, फोकस है, वो भी सेम होना चाहिए कि हम लोग सब एक ही जगह जा रहे हैं जी। अगर मैं अपनी कंपनी से पूछूं, आप मेरी कंपनी में किसी के पास भी चले जाओ कि आरफिन का गोल क्या है, वो सब बता देंगे आपको, बिकॉज सबका रास्ता एक ही तरफ है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये करना है कि अगर आप पैसा बनाओगे या सक्सेस अचीव करोगे, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप कहां से आए हो, बिकॉज लोग क्या करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, उनका माइंड थोड़ा चले जाए, थोड़ा सा फेम आ गया तो वो अपने आप को भूल जाते हैं। सो मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि अपनी पैर जमीन पे रखो और सर बादल के ऊपर रखो, लेकिन पैर जमीन पे रहने चाहिए, बिकॉज वो आपको रिमाइंड करेगा कि अभी आप पहुंचे भी नहीं हो। दूसरी बात ये है कि कोई एंड गोल नहीं डालो, मगर अगर आपने टारगेट रखा है, समझो आपको 10 लाख रुपया या 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया बनाने, तब आप वहां पहुंचोगे, आप उसको डबल ट्रिपल करो, बिकॉज इंसान की नेचर है ये कि हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मुझे मालूम था, मैंने पहली दफा इंडिया में ट्रेनिंग किया था कंपनी के लिए, और मुझे फीस मिले थे कोई 20,000 रुपीज, मैं कोई 15-16-20 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं सेलिब्रेशन कर रहा था कि माय गॉड 20,000 मुझे मिला है। और आज मैं अपनी फीस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं भी कभी कभी अपने आप को बोलता हूँ माय गॉड इज इट पॉसिबल, बिकॉज इंसान को अगर आगे बढ़ना है उनको कभी रुकना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ में जो है आपके पास, उसके लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड, क्या बोलते हैं ग्रेटिट्यूड को हिंदी? ग्रेटिट्यूड, हाँ, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओ आई एम वेरी हैप्पी, है मेरे मत दिल से कि मैं सुबह जब उठता हूँ मेरी आंखें खुलती है, मैं बोलता हूँ आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, अनदर 24 आवर्स। अपने आप को खुश किस्मत पाते हैं। हाँ, बिकॉज आप हो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जी। या सक्सेसफुल बनना, अमीर बनना, फेमस बनना मुश्किल नहीं है, यहां खाली आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि लोगों को इससे फायदा होगा, और भी सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन समय थोड़ा कम है, लेकिन दोबारा मिलेंगे और बात करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, डांस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, बहुत कुछ। और आपको एक चीज कंफेस करनी पड़ेगी कि मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं इसी समय खुशकिस्मत पर, तब तक के लिए नमस्ते भारत। ABP News, आपको रखे आगे।